मैं आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ एक और फ्री जॉब। तो गाइस उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट्स करना कभी ना भूले। तो फ्रेंड्स, आज की ये जॉब होने वाली है वो होने वाली है आप लोगों के लिए सिक्योरिटी में फील्ड वर्क, सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर की जॉब। काफ़ी टाइम से भी जो है, एक बीच में दो तीन बार भी मैंने इस टॉपिक पे एक दो वीडियो बना के डाला था, जो अलग अलग कंपनी में अलग अलग सैलरी के हिसाब से रहता है, सेम उसी रिलेटेड में ये वीडियो है आप लोगों के लिए। जो जो बंदा इंटरेस्टेड है इस फील्ड वर्क में, इस काम के लिए, वो ही बंदा इस वीडियो को देखे, अन्यथा आप अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं कि स्टार्टिंग में सिर्फ सैलरी तक देखते हैं कि इसमें सब सैलरी क्या बताएंगे। सैलरी देखने के बाद बस तपाक से फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन कर देते हैं, वापस अगेन पूछते हैं सर उसमें टाइमिंग क्या है, सर उसमें काम क्या करना रहेगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि यार वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। वैसे कोई मतलब ये नहीं है आप लोगों को कि जो है आप पूरा वीडियो देखे रहेंगे। जिसको इंटरेस्टेड है और जो काम में रुचि रखता है, जिसको जॉब की ज़रूरत है, जिसको नीड है जॉब की, वही कैंडिडेट्स कॉल और अप्लाई करें, वही कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखें। तो गाइज, ये जो जॉब होने वाली है फील्ड वर्क के रिलेटेड में होने वाली है सिक्योरिटी कंपनी में। अगर आपको एक्सपीरियंस है या फिर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है और अगर आपके पास बाइक है तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब में, इस काम में बाइक जरूरी है बिकॉज ऑफ ये फील्ड वर्क के रिलेटेड में, फील्ड के रिलेटेड में है। अब जॉब प्रोफाइल क्या है, एक्चुअल में वर्क क्या रहेगा, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे जैसा एक्सप्लेन करने वाला, अच्छे से समझाने वाला शायद ही आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी देखने को मिलेगा, नहीं मिलेंगे। तो इसमें एक्चुअल काम क्या रहेगा कि सुबह शाम आपको लड़के लोगों को शिफ्ट करना रहेगा। लड़के लोग कौन? सिक्योरिटी गार्ड को शिफ्ट करना रहेगा। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताऊँ कि एक अपार्टमेंट, दो अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, वहाँ पे क्या रहता है, उनके गार्ड्स लगे रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करते हैं। तो उनको क्या रहता है कि रूम से वहाँ जाने में प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई डबल ड्यूटी करता है उसकी जगह किसी दूसरे बंदे को जो है लेके जाके शिफ्ट करना रहता है, या फिर जो लड़का लेट हो जाता है वो जा नहीं पाता, उसको बिठा के छोड़ना रहता है, तो उसको बोलते हैं शिफ्टिंग का काम। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं उनको ये सब पता रहता है कि शिफ्टिंग कैसे होती है। तो इसमें मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह और शाम शिफ्टिंग का काम रहता है, गार्ड शिफ्ट करना। अगर आप अच्छे से मैनेज करते हैं तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। एक एक पोस्ट पे, एक एक गार्ड, जिस पोस्ट पे जो जो गार्ड की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पोस्टिंग बराबर देते हैं और आप अच्छे से कंट्रोल करते हैं तो उसकी भी आपको पेट्रोल रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप फोन पे ही मैनेज कर सकते हैं। तो जो बंदे नए हैं, जिसको नॉलेज नहीं है, उसके लिए ये बता रहा हूँ कि शिफ्टिंग का काम कैसा रहता है। अब इसमें टाइमिंग की बात करो तो टाइमिंग इसमें जो है फिक्स नहीं रहता है। वैसे जनरल जो है 9 घंटा ड्यूटी रहता है, 8 से 9 घंटा ही ड्यूटी रहता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कभी रात में कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वहाँ पे आपको वो सॉल्व करने के लिए जाना है। कहीं पे कुछ झगड़ा हो जाता है गार्ड के बीच में, सिक्योरिटी गार्ड, वैसे जनरली कहीं पे ऐसा होता नहीं है, फिर भी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले जाना रहेगा। उसके बाद में आप अपनी कंपनी को वहाँ जाके इन्फॉर्म करेंगे कि सर ऐसा सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है, ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो बता रहा हूँ, जो बंदा सिक्योरिटी का काम कर चुका है उसको अच्छे से नॉलेज रहता है इस चीज़ का। तो वैसे टाइमिंग इसमें 9 से 8 घंटा ही रहता है, और एक तरफ से मान के चलो तो टाइमिंग इसमें फिक्स नहीं रहता है। अगर आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं तो आपका टाइमिंग 6 घंटा 7 घंटा भी हो सकता है। इसके अलावा बीच में फ्री टाइम में आपको जो क्लाइंट से मीट करना है, सिक्योरिटी से, गार्ड से रोटा कलेक्ट करना है, उनकी अटेंडेंस कलेक्ट करनी है, मंथ के एंड में, मंथ के स्टार्टिंग में जो है कंपनियों को जो है बिल देना है। तो कहने का मतलब है कि हैवी काम इसमें कुछ नहीं है, चुटर पुटर हल्का फुल्का काम है।
और जो बंदा ऑलरेडी कर चुका है, जो कर रहा है, उनको अच्छे से नॉलेज रहती है कि एक्चुअल में वर्क क्या रहता है। फिर भी अगर आप नए हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपके पास बाइक है, तो हम लोग आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपका इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि एक्चुअल में काम कैसे करना रहेगा, हम लोगों का यूनिट कहाँ कहाँ पे है, कितने यूनिट आपको दिए जाएंगे, किस यूनिट में कहाँ पे कितना विजिटिंग करना रहेगा, वो स्टार्टिंग में हम लोग आपसे अच्छे से कोऑपरेट करेंगे आपके साथ में। सैलरी की बात करो तो सैलरी स्टार्टिंग में जो है 20K 20,000 रुपए सैलरी रहेगी, जो इन हैंड सैलरी रहेगी, नो की CTC सैलरी रहेगी। अगर CTC सैलरी की बात करो तो इसमें ESI PF जो है इंक्लूड रहेगा, इसमें पेट्रोल कन्वेंशन जो है इंक्लूड रहेगा। तो CTC सैलरी आपकी 25 से 26,000 रुपए सैलरी होती है, 25 to 26,000 सैलरी रहती है इस जॉब में। वो सैलरी सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को, जिसको पहले नॉलेज है, जो सुपरवाइजर का पोस्ट कर रहा है या फिर कर चुका है, और जिसके पास बाइक है, जिसके पास गाड़ी है, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ये सैलरी उस बंदे के लिए है। अगर कोई बंदा फ्रेशर है और उसके पास बाइक है और वो सिक्योरिटी का काम या सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर का काम नहीं कर चुका है, वो फील्ड वर्क कोई किया हुआ, तो उसकी भी सेम सैलरी रहती है। या फिर अगर कोई बंदा फ्रेशर है और उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है और उसके पास बाइक है, तो उसकी सैलरी जो है 20,000 रहेगी, जो CTC रहेगी। फिर उसमें से जो है उसका PF डिडक्शन होगा। तो एक मान के चलिए कि आपकी सैलरी एक 18,000 के लगभग होती है, जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है। जैसे जैसे आप इंक्रीजमेंट, जैसे जैसे आप जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इसमें बढ़ती है। इसके अलावा ESI PF की फैसिलिटी रहेगी। ESI PF मान के चलिए कि जो है सैलरी के अकॉर्डिंग जो है डिडक्शन होता है, वो तो आपको सबको पता है। इसके अलावा पेट्रोल कन्वेंस जो है कंपनी के थ्रू दिया जाएगा। आपका जितना भी फील्ड में पेट्रोल जो है वेस्ट होता है, वो सारा का सारा बिल आप कंपनी में सबमिट करेंगे, वो उतना का जो है आप अपने जो है कंपनी से रिड्यूस कर सकते हैं। कंपनी आपको जो वो पेबल करती है, या फिर आप महीने के एंड में मान के चलिए, या फिर एक हफ्ते के एंड में मान के चलिए, या फिर डेली बेसिस के हिसाब से जो भी है, वो एक बार आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे, आपको एक्चुअल में सारा का सारा प्रोसेस वहाँ का समझा दिया जाएगा। तो गाइस, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज की बात करूँ तो कोई भी लैंग्वेज चलती है, लेकिन एक हिंदी कंपलसरी आना चाहिए इसमें। हिंदी के अलावा इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी के अलावा कन्नड़ा ले लीजिए, हिंदी के अलावा आप अदर लैंग्वेज आपकी चाहे लोकल लैंग्वेज कोई सी भी हो, तमिल, तेलुगु, मलयाली, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस जॉब में आपको एक हिंदी कंपलसरी थोड़ा आना चाहिए। एजुकेशन की बात करो तो मिनिमम 12th पास होना चाहिए। अगर कोई बंदा बोल दे कि सर मैं सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर का काम ऑलरेडी कहीं पर कर चुका हूँ, या फिर मैं कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे से जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, और मुझे एजुकेशन नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं फिर भी जो है ये काम कर चुका हूँ, तो वो बंदा इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। मोस्ट वेलकम उस बंदे के लिए। इसमें हमेशा की तरह सबसे पहले आओ सबसे पहले पाओ वाला फॉर्मूला है। हमारे पास गाइस फ्री जॉब रहती है, तो किसी के लिए भी कोई भी जॉब फिक्स नहीं रहती है कि वो बंदा आने वाला है उस बंदे के लिए उसके जगह में जो है उसका जगह खाली रखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले आएंगे पहले आपको काम मिलेगा। इस जॉब में आप 1 हफ्ते या 10 दिन छोड़ के अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगेन आपको वापस फ़ोन करना पड़ेगा, डिटेल्स लेना पड़ेगा कि सर मैंने आपका वो वीडियो देखा था, वो जॉब अभी चल रही है या नहीं चल रही है। अगर आप आजकल परसों में आते हैं अप्लाई करते हैं, तो आपको आप जॉब मिल सकती है। रिक्वायरमेंट की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम जो है अलग अलग कंपनी में डिफरेंट जो है कंपनी में 10 to 15 कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। 10 से 15 ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 से 15 सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर की ज़रूरत है जो अलग अलग कंपनी में है। 3 से 4 कंपनी में अभी जो है वैकेंसी आई हुई है सेम पोजिशन पर और सेम सैलरी में। सैलरी में पहले ही बताया आपकी डिपेंड ऑन आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। इसमें फ्रेशर से लगाकर, एक्सपीरियंस से लगाकर, अनपढ़ से लगाकर हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पास एक बाइक होना जरूरी है, उसको थोड़ा बहुत हल्का सा किसी चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है, चाहे फील्ड का ले लीजिए या फिर अदर लोन जो है एक्सपीरियंस भी ले लीजिए। तो गाइस, इसमें आप पहले अपना रेज्यूम भेजिए या फिर डायरेक्ट कॉल करिए।
रिज्यूम भेजने का आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, जैसे दूसरी एजेंसी है या फिर दूसरी कंपनी लेती है 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी, इसमें कोई भी कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी एजेंसी, कोई भी जो है कंसल्टेंसी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है जो आपका पैसा भी इसमें खाती है। इसके अलावा जैसे मैंने हमको आपको बताया कि हमारे पास आपको एनी टाइम फ्री जॉब देखने को ही मिलेगी, स्टार्टिंग से लगाकर अब तक हमारे पास फ्री जॉब भी रहती है, हम लोग आप लोगों के लिए फ्री जॉब भी लेके आते हैं। इसमें रूम की बात करूँ तो वो जब आप एक बार आएंगे तो कंपनी से बैठ के एक बार जो डिस्कस करने के बाद उसका भी सॉल्यूशन निकल जाता है, उसका भी जो है चार्ज करती है कंपनी, लेकिन वो बैठ के आप जो अगर बात करेंगे तो 1500 रुपये उतना ही लगता है, जहाँ लड़के लोग रहते हैं उसके साथ में एडजस्ट कर सकती है। इसमें खाना पीना फ्री नहीं है, काफ़ी लोग जो हैं हर एक वीडियो में यही फ़ोन करके पूछते हैं कि सर इसमें खाना पीना फ्री है क्या। तो जहाँ हाई सैलरी रहती है, जहाँ अच्छी प्रोफेशनल जॉब रहती है, उस जॉब में कभी भी जो है खाना पीना कंपनी फ्री नहीं देती है। खाना पीना रहना आपको कहाँ फ्री मिलेगा, जहाँ हेल्पर कैटेगरी की जॉब रहती है, जहाँ वर्कर की जॉब रहती है, जहाँ पिकिंग पैकिंग की जॉब रहती है, उस काम में उस जगह में आपको खाना पीना फ्री देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार शेयर जरूर करें ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके, उनको कुछ मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छी जॉब अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।